हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2021, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का एक दिग्गज एंड मार्केट लीडर कंपनी विप्रो लिमिटेड के ऊपर, जो कि अपने शेयर होल्डर्स को पास्ट में ना जाने कितने बार बोनस शेयर देके करोड़पति बनाया। और आज की डेट पर अगर बात करें, मार्केट का बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एनालिसिस ने इसके अंदर बड़े बड़े टारगेट दिया, काफ़ी हायर लेवल पे टारगेट दे रहा, और कहीं ना कहीं यही इस पोजीशन पे मुझे एक फ्रेश पोजीशन बनाने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम विप्रो के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले विप्रो का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या आपका रणनीति हो सकता है। दोस्तों, ये पार्ट अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको आधा अधूरा जानकारी प्राप्त होगा। उसके बाद हम टारगेट के ऊपर चलेंगे, एक्सपर्ट्स ने क्या टारगेट दिया। तो दोस्तों, अगर बात करें आज की डेट पे, RSI इंडेक्स देख सकते हो विप्रो का 69.73, यानी 70 क्रॉस कर जाने से, कोई भी शेयर का RSI अगर 70 क्रॉस कर जाता है तो उसे ओवरबॉट जोन पे कहा जाता है, यानी विप्रो का शेयर प्राइस अभी ठीक ओवरबॉट जोन की ठीक एकदम बीचों बीच खड़ा है। यानी देखा जाए दोस्तों, इसके शेयर प्राइस में अगर एक दो दिन और तेज़ी आया तो इसके शेयर प्राइस दोस्तों ओवरबॉट जोन पे चला जाएगा। दोस्तों, विप्रो की शेयर प्राइस में जो इतना तेज़ी आएगा, इसका ऐलान तो दोस्तों मैं आपको बहुत पहले ही कर दिया था। आपको याद होगा, एक वीडियो मैं डाला था लगभग दो हफ्ता पहले, याद भी होगा आपको। वो वीडियो अभी तक आप इस चैनल के ऊपर है, आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट कहा था कि क्वार्टर फोर की रिजल्ट के पहले दोस्तों धमाका होगा। आपने देख लिया, जब क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया तब भी ये तेज़ी था, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ क्योंकि मार्केट गिरावट आया था, बट उसके बाद देखिए ये जो जंप आया वो जंप अभी कंटिन्यूअस चलता रहा, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों कुछ लॉजिक है। आपको उस लॉजिक को समझना चाहिए और ये लेवल्स को पकड़ के प्ले करना चाहिए। दोस्तों देखिए, विप्रो का जब लास्ट ईयर पे रिजल्ट आया था, यानी लास्ट क्वार्टर पे, क्वार्टर थ्री में, अगर बात करें क्वार्टर टू में जब रिजल्ट आया था, अगर बात करें क्वार्टर वन में जब रिजल्ट आया था, जब जब विप्रो का रिजल्ट आउट होता है ठीक उसके आगे पीछे आप देख सकते हो शेयर प्राइस में तेज़ी आता है। और जब जब तेज़ी आता है दोस्तों, विप्रो का जो शेयर का जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है। क्वार्टर थ्री में देखिए, ठीक रिजल्ट के पहले ये तेज़ी, एंड रिजल्ट की बात भी था कुछ टाइम तेज़ी, और उस टाइम पे जब तेज़ी आया, जम लगाया, तो उसका जो प्रीवियस डे हाई था, यानी प्रीवियस क्वार्टर में जो हाई लगाया था उसको क्रॉस करके चला गया। इस क्वार्टर में आप देख सकते हो इसमें और ज़्यादा, इसमें और तेज़ी आने का चांस है, क्योंकि इस विप्रो के अंदर दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा दमखम रखता है शेयर प्राइस। क्योंकि आज की डेट पर अगर बात करें, शेयर प्राइस 486 ठीक 500 रुपये का क्रॉस करने वाला है, और ये जो 500 रुपये अगर क्रॉस कर गया तो 500 रुपये का लेवल ह्यूज हमें सपोर्ट के रूप में देख सकता है। अगर बात करें विप्रो के अंदर, आपने ऑलरेडी शेयर खरीद के बैठा है, मैं आपको एक ही सजेस्ट दूंगा, गलती से भी एक भी शेयर मत बेचना, एंड आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है आप होल्ड करें, क्योंकि विप्रो दोस्तों कुछ गिने चुने स्टॉक्स में से है जो कि अपने शेयर होल्डर्स को पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, करीबन 11 से 12 बार दोस्तों बोनस शेयर देके करोड़पति बनाया। और विप्रो दोस्तों हमेशा ही बोनस शेयर देता है अपने शेयर होल्डर को, और लास्ट कुछ सालों में दोस्तों कभी भी विप्रो अभी तक बोनस शेयर नहीं डिक्लेयर किया, तो आगे हो सकता है फ्यूचर में बोनस शेयर दे। और साथ साथ विप्रो दोस्तों बहुत शानदार डिविडेंड भी पे करता है। अगर बात करें बुलिंजर बैंड का, तो बुलिंजर बैंड का जो अपर बैंड का नंबर निकल के आ रहा है, देख सकते हो 481 रुपये, करेंटली ठीक उसके ऊपर ही विप्रो का शेयर प्राइस हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। अगर आज की डेट पे बात करूँ तो NSE का हाईएस्ट गेनर बना, यानी सबसे ज़्यादा आज तेज़ी था विप्रो के अंदर। तो दोस्तों, विप्रो के अंदर मार्केट का कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एनालिसिस ने अपना राय बताया, साथ में टारगेट भी दिया। क्या टारगेट दिया वो तो हम अभी देख लेते हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। ये न्यूज़ दोस्तों एक दिन पुराना न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 21 अप्रैल का न्यूज़ है, यानी कल का ये न्यूज़ आया था। विप्रो के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, विप्रो शेयर प्राइस एक्सपर्ट पेज प्राइस टारगेट एट 545। जी हाँ दोस्तों,
आज की डेट पे अगर बात करें विप्रो का शेयर प्राइस आपको 485 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और ये जो टारगेट प्राइस सेट किया है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लगभग 10 से 12% अपसाइड टारगेट है। और मेरे ख्याल से विप्रो का जो क्वालिटी है शेयर का, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये टारगेट डिजर्व भी करता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रिटर्न्स का प्रोफाइल भी दिखाता करना चाहता हूँ आपको। विप्रो का अगर आज की डेट पे बात करें तो करीबन 3.5% का हमें तेज़ी देखने को मिला एक ही दिन के अंदर। बात करें 6 महीने का तो लीजिए देख सकते हैं दोस्तों विप्रो का शेयर प्राइस कितना शानदार रिटर्न दिया 6 महीने पर। बात करें 1 साल का तो 1 साल पर भी देख सकते हैं, ये जो छोटा छोटा ये जो चोटी टाइप का चीज़ दिख रहा है, ये जो पिक, ये ठीक Q4 की मतलब क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे ये जो पिक लगाता है। और दोस्तों यही स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके अंदर कि विप्रो के अंदर दोस्तों आप निवेश कीजिए स्मॉल क्वांटिटी पे, बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी क्या होता है दोस्तों, यानी आज की डेट पर अगर देखा जाए शेयर प्राइस आपको 500 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो 500 रुपये के आसपास दोस्तों आपके अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग शेयर खरीदिए। हो सकता है 4 या 5, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप शेयर खरीदिए। हो सकता है कल शेयर प्राइस और ज़्यादा गिर गया, 450 रुपये में आ गया, तो उस लेवल पर और कुछ शेयर खरीदना। कल और गिरावट आ गया 400 रुपये में आ गया, तो उस लेवल पर और कुछ शेयर खरीदना। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों लॉन्ग टर्म में, चाहे 5 साल बोलिए चाहे लॉन्ग टर्म का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बोलिए, आपको शेयर प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी देखा जाए तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एकदम प्योर जेम स्टॉक है। लॉन्ग टर्म मैं जब बोलता हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए, मैं मिनिमम आपको 5 से 10 साल होल्ड करने का राय देता हूँ। तो आपको मिनिमम 5 से 10 साल यहाँ पे होल्ड करना ही पड़ेगा अगर आपने विप्रो के अंदर निवेश किया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले विप्रो का Q4 रिजल्ट भी आउट हुआ था, और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों ईयर ऑन ईयर पे ह्यूज हमें जंप देखने को मिला था। आज की डेट पे अगर बात करें देख सकते हैं यहाँ पे जो विप्रो का ऑल टाइम हाई का सिग्नल हुआ हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर वाला, जो कि 494 रुपये आज की डेट में टच किया, और वही विप्रो का ऑल टाइम हाई है। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आप कंपेयर करोगे इंफोसिस से, अगर कंपेयर करोगे IT सेक्टर सबसे लार्जेस्ट कंपनी इंडिया के अंदर TCS के साथ, तो विप्रो का जो यहाँ पे जो पी वैल्यूएशन है दोस्तों वो काफ़ी कम है इंफोसिस TCS से। तो मेरे ख्याल से दोस्तों विप्रो का जो शेयर प्राइस है, जो मार्केट का जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने टारगेट दिया है 500 साढ़े 500 रुपये का, वो टारगेट कहीं ना कहीं विप्रो डिजर्व भी करता है। और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे वेट नहीं करना है, और इसी प्राइस पे ऊपर ही दोस्तों आपको फ्रेश पोजिशन बनाना है। अगर आज की डेट पर बात करूँ, देखिए मार्केट बंद हो गया, बट उसके बावजूद भी 200 क्वांटिटी के ऊपर शेयर ए मॉडल लग चुका है। क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक में हमेशा आपको डिलीवरी ज़्यादा देखने को मिलता है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 4,26,00,000, उनमें डिलीवरी उठाया जा चुका है 95 लाख क्वांटिटी के शेयर। डिलीवरेबल परसेंटेज 22% के ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा, आउटस्टैंडिंग स्टॉक है IT सेक्टर, जो कि स्पेशली इन फ्यूचर में दोस्तों ह्यूज ग्रोथ है। चाहे IT सेक्टर का आप छोटे से छोटा कंपनी को पिक करें, और चाहे तो आप विप्रो, इंफोसिस, TCS जैसा बड़े से बड़ा कंपनी को पिक करें, लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है विप्रो, TCS, इंफोसिस, इस टाइप का हर एक बड़े IT सेक्टर ग्रुप का स्टॉक। क्योंकि फ्यूचर दोस्तों IT सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी वक्त है आपको यहाँ पे पोजीशन बनाने का, अदरवाइज बाद में जाके आपको महंगा शेयर खरीदना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को एक लाइक करके एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।